आज के ज़माने में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि पैसे से हमारा ख्वाहिश पूरा होता है। पैसे से हम एक आज़ाद ज़िंदगी जी पाते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अशरफ। आज हम लोग बात करेंगे इस वर्ल्ड की 10 अमीर लोगों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉप 10 में जिसका नाम आता है, उसका नाम है लैरी पेज। लैरी पेज कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंटरनेट इंटरप्रेन्योर है, और इसी के साथ ये को फाउंडर भी है गूगल के। इसी ने ही पहले गूगल बनाया था। इसकी संपत्ति की परिमाण 69 बिलियन डॉलर है, जो इंडिया की पैसों का 5 लाख करोड़ रुपये के समान। टॉप 9 में जिसका नाम आता है, उसका नाम है स्टीव बालमर। एक अमेरिकन की बड़ा बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। इसी के साथ ये माइक्रोसॉफ्ट की चीफ एक्सक्लूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसकी संपत्ति की परिमाण है 71 बिलियन डॉलर, जो कि भारतीय पैसा की 5,15,000 करोड़ रुपया की समान है। तो 8 नंबर के पे जिसका नाम आता है, उसका नाम है लैरी एलिसन। ये अमेरिकन की एक बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। इसके साथ ये को फाउंडर और एक्सक्लूसिव ऑफिसर भी रह चुके हैं ऑडियंस कॉरपोरेशन के। इसके संपत्ति की परिमाण है 74 बिलियन डॉलर, यानी कि इसे भारतीय रुपया में करें तो 5,55,000 करोड़ रुपया। दोस्तों, 7 नंबर पे जिसका नाम आता है, उसका नाम है वॉरेन बफेट, जो अमेरिकन इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है। इसी के साथ ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और ये चेयरमैन और सीईओ भी है। इसके संपत्ति की परिमाण है 17.8 बिलियन डॉलर, जो कि भारतीय पैसा का 5,86,000 करोड़ रुपये के समान है। तो 6 नंबर पे जिसका नाम आता है, उसका नाम है मुकेश अंबानी। इंडिया का बिजनेसमैन है, चेयरमैन एंड मैनेजर डायरेक्टर भी है जियो कंपनी का, और इसके साथ जियो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसी के पास है। इसकी संपत्ति की परिमाण 18 बिलियन डॉलर। तो 5 नंबर पे जिसका नाम आता है, उसका नाम है इलॉन मस्क। ये एक ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा माहिर आदमी है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को कैसे आसान किया जाए इसका लिए काम कर रहा है बहुत दिनों से। इन्होंने सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कार का निर्माण किया है। इसकी संपत्ति की परिमाण है 18.5 बिलियन डॉलर, जो कि 6,38,000 करोड़ रुपया की बराबर है इंडिया की रुपये का। 4 नंबर पे जो आता है, उसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। इसको हम लोग सभी पहचानते हैं, फेसबुक फाउंडर, यानी कि फेसबुक का निर्माण दाता है मार्क जुकरबर्ग। संपत्ति की परिमाण है 96 बिलियन डॉलर, जो कि भारतीय रुपये का 7,21,000 करोड़ रुपये के बराबर है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है बर्नार्ड आर्नोल्ट। ये एक फ्रेंच बिजनेसमैन है और आर्ट कलेक्टर भी है, और इसी के साथ ये चेयरमैन और चीफ एक्सक्लूसिव है LVMH के। इसकी संपत्ति की परिमाण है 111 बिलियन डॉलर, जो कि भारतीय रुपया में 8,33,000 करोड़ रुपये के बराबर है। तो दूसरे नंबर पे जिसका नाम आता है, उसका नाम है बिल गेट्स। गेट्स एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इन्वेस्टर भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के रूप में वर्ल्ड फेमस है। इसकी संपत्ति की परिमाण है 113 बिलियन डॉलर, जो कि इंडिया के रुपये का 8,48,000 करोड़ रुपये के बराबर है। तो फाइनली हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया की रिचेस्ट एक नंबर पर्सन के बारे में, जिसको हम लोग सभी पहचानते हैं। इसका नाम है जेफ बेजोस। ये है अमेजोन की फाउंडर एंड इसका मालिक। अगर हम लोग बात करें इसके संपत्ति के परिमाण का, तो हम लोग देखेंगे इंडिया की जियो कंपनी की मालिक मुकेश अंबानी के डबल संपत्ति की परिमाण है इसके पास। इसका परिमाण है 194 बिलियन डॉलर। अगर इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो देखा जाएगा 14,57,000 करोड़ रुपये के बराबर है। ये सभी लोग जानते हैं अमेजोन एक ऑनलाइन बिजनेस है, इसलिए इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में।
अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लोग मेरे चैनल में नए आए हो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए और यह बेल आइकन को ऑलवेज के लिए ऑन कर दीजिए।